नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है अफगानिस्तान नीति में परिवर्तन की आवश्यकता से संबंधित, यानी कि जो अभी अफगानिस्तान में आप राजनीतिक हलचल देख रहे हैं उसी से संबंधित आपका ये आर्टिकल लिखा गया है। तो देखेंगे कि अफगानिस्तान में संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या रही है, उसे भी देख लेंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ था, उसे भी देखेंगे। शक्ति साझाकरण समझौते के प्रमुख बिंदु क्या हैं, उसे भी देखेंगे। अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है यह समझौता जो चर्चा में है, और भारत की अफगान नीति में बदलाव क्यों, उसे भी देखेंगे। और भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व किस लिए है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैप्स में स्थिति देख लेते हैं अफगानिस्तान की। ठीक है, देखिए ये आपकी प्यारी पृथ्वी है, इसके बाद ये है आपका भारत, देखिए ये है आपका अफगानिस्तान, दिख रहा है कहाँ है, ये है अफगानिस्तान। ये आपका पाकिस्तान, इससे सीमा लगती है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, यह आपका तजाकिस्तान और वे उज्बेकिस्तान, और हमारे भारत की सीमा लगती है पीओके वाले हिस्से की, यहाँ देखिए, ठीक है, पीओके वाले के हिस्से की सीमा लगती है आपकी, और यहाँ आपका चीन हुए। तो आपको पता होगा कि अभी 2019 में जो चुनाव हुए तो इसमें राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद मदजई ने राष्ट्रपति की शपथ ली, लेकिन जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला थे पहले ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इस चुनाव को नकार दिया और उन्होंने भी शपथ ले ली। तो इस समय पहला ऐसा देश है आपका अफगानिस्तान जहां दो राष्ट्रपति हैं, समझ में आए। तो याद रखना पीओके वाले हिस्सा लगता है आपका अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसकी जो करेंसी है अफगान अफगानी है, और याद रखिए साउथ एशिया का देश है अफगानिस्तान। चलिए अब हम लोग इस आर्टिकल को देखते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच घोषित शक्ति साझाकरण समझौते का भारत ने स्वागत किया है, जो कि पिछले वर्ष हुए विवादित राष्ट्रपति पद के चुनाव से उत्पन्न राजनीतिक कलह का अंत माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि सुलह के माध्यम से राजनीतिक समझौते और परिषद के गठन से स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाएंगे। और अफगानिस्तान में गैर राज अभिकर्ताओं द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और हिंसा पर लगाम लगेगी। 2 दशक से युद्ध और हिंसा से जूझ रहे अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद जगी है। शक्ति साझाकरण समझौते से लोग खुश हैं और उन्हें देश में अमन लौटने की, यानी कि शांति लौटने की आशा है। यदि बात भारत और अफगानिस्तान संबंधों की करें हम लोग, तो समय के साथ यह बेहद मजबूत और मधुर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान जितना अपने तत्कालिक पड़ोसी पाकिस्तान के निकट नहीं है, उससे कहीं अधिक निकटता उसकी भारत के साथ है। भारत अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लागत वाली कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर चुका है और कुछ पर अभी काम चल रहा है। तो याद रखिए जो पाकिस्तान है इसका नजदीक है तालिबान से, और भारत की अफगानिस्तान से, यानी कि जो तालिबान समूह है वहाँ आतंकवादी आतंक की घटनाओं को जो अंजाम देता रहता है, तो पाकिस्तान की उससे कुछ ज्यादा ही नजदीकियां हैं। अफगानिस्तान में संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या रही है? अमेरिका के आक्रमण से पूर्व भी अफगानिस्तान लगभग 20 वर्षों तक निरंतर युद्ध की स्थिति में रहा था। अफगानिस्तान संघर्ष की शुरुआत अफगानिस्तान में तख्तापलट के एक वर्ष पश्चात, यानी कि 1979 में हुई थी, जब आपका सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर अपनी साम्यवादी सरकार का समर्थन करने के लिए आक्रमण कर दिया।
सोवियत सेना अफगानिस्तान सरकार की ओर से अफगान मुजाहिदीनों के विरुद्ध जंग लड़ रही थी। उस समय इन अफगान मुजाहिदीनों ने को अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब जैसे देशों का समर्थन प्राप्त था। युद्ध की शुरुआत से कुछ ही वर्षों में सोवियत सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस युद्ध में सोवियत सेना के 15,000 से भी अधिक सैनिक मारे गए। वर्ष 1988 में सोवियत संघ ने कुछ आंतरिक कारणों के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया। फरवरी 1989 को सोवियत सेना की अंतिम टुकड़ी भी अफगानिस्तान से वापस चली गई। हालांकि अफगानिस्तान में अभी भी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गए और वहां के आम लोगों में भी मुजाहिदीनों से काफी परेशान थे। ऐसे हालात में जब तालिबान का उदय हुआ था तो अफगान लोगों ने उसका स्वागत किया। अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी के पश्चात ही वहां तालिबान के उदय की शुरुआत होती है। तालिबान पश्तों भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। दरअसल तालिबान का उदय 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा चुकी थी। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान अफगानिस्तान के पटल पर पूर्ण रूप से वर्ष 1994 में सामने आया। इससे पहले तालिबान धार्मिक आयोजनों या फिर मदरसों तक सीमित था, जैसे ज्यादातर धन सऊदी अरब से मिलता था। आपका प्रारंभ में तालिबान को इसलिए लोकप्रियता मिली क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और अव्यवस्था पर अंकुश लगाकर अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाए ताकि लोग व्यवसाय कर सकें। धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना दबदबा बढ़ाना शुरू किया। वर्ष 1996 में बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1998 तक लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया। इसे आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि अभी जैसे पाकिस्तान में कई आतंकी गुट उभर रहे हैं और ये उभरते उभरते क्या करें कि आगे चल के पूरे पाकिस्तान पर यानी कि कब्जा कर दें, तख्ता पलट कर दें और खुद मालिक बनकर बैठ जाए। इसी तरह आपका तालिबान समूह था। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका का प्रवेश। वर्ष 2001 में न्यूयॉर्क में आतंकी हमले के बाद तालिबान दुनिया की नजरों में आया। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। 2001 से पूर्व याद रखिए आपका जो अमेरिका था ये मानता ही नहीं था कि ऐसी आतंक की हमले भी कुछ घटनाएं हैं, इससे सहमत ही नहीं होता था। लेकिन जब कहते नहीं खुद पर बीतती है तभी पता चलता है कि दुख क्या होता है। तो जैसे ही 2001 में न्यूयॉर्क में आतंकी हमला होता है उसके बाद अमेरिका सतर्क हो जाता है, ठीक है। हालांकि इस हमले के बावजूद तालिबान नेता मुल्ला उमर और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ा नहीं जा सका। मई 2011 में पाकिस्तान के इबटाबाद में 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेनाओं द्वारा मार गिराया गया। ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद अमेरिकी सुरक्षा बलों का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो चुका था। अतः 2011 में राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की सीमित संख्या में वापसी का मोड में प्रस्तुत की। जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अफगान नीति के संदर्भ में प्रमुख फोकस अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर रहा, जिसे मार्च 2020 में अमेरिकी तालिबान समझौते में मूर्त रूप दिया गया। आपको पता होगा इसीलिए अभी चर्चा में बना हुआ है अफगानिस्तान, क्योंकि 2020 में आपके चुनाव हैं, नवंबर के आसपास चुनाव हैं आपके अमेरिका के राष्ट्रपति साहब, तो वो चाह रहे कि जो उन्होंने वादा किया था उसे निभाएं।
अब कंडीशन जो भी हो अफगानिस्तान की, वो निकलना चाहते हैं, अपनी जीत करना चाहते हैं, ठीक। इस समझौते का सफल क्रियान्वयन अफगानिस्तान में राजनीतिक गतिरोध की समाप्ति पर टिका है। बात करते हैं शक्ति साझाकरण समझौते के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। इस समझौते के तहत अशरफ गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे, जबकि अब्दुल्ला अब्दुल्ला सुलह के लिए गठित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। अब्दुल्ला के पास आंतरिक, आर्थिक, न्याय, श्रम और सोशल अफेयर्स के मंत्रालय रहेंगे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अफगानिस्तान में अशरफ गनी के शासन को सरकार चलाने में अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे। अमेरिका और तालिबान की शांति वार्ता को तय मुकाम तक पहुंचाने के लिए, अफगानिस्तान में सियासी गतिरोध दूर करने के लिए यह समझौता बेहद जरूरी था। बात करते हैं अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है यह समझौता। अमेरिका में वर्ष 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सुरक्षा बलों की वापसी एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले चुनाव प्रचार में 2 दशकों से अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना की वापसी को बड़े मुद्दे के रूप में प्रचारित किया था। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की वापसी का वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे। अमेरिका तालिबान समझौते के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मुद्दे से ट्रंप को राष्ट्रपति पद के चुनाव में फायदा हो सकता है। आप देखते हैं कि चुनाव के समय ही नेताओं को अपने वादे याद आते हैं, तो इसी तरह आपके डोनाल्ड ट्रंप को याद आए। लेकिन अफगानिस्तान में राजनीतिक गतिरोध के कारण अमेरिका तालिबान समझौता मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। अफगानिस्तान में शक्ति साझाकरण समझौते से राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया, जिसे अब अमेरिका तालिबान समझौते के अपने को मुकाम तक पहुंचने की पूरी संभावना है आपकी। बात करते हैं भारत की अफगान नीति में बदलाव क्यों। भारत हमेशा से तालिबान शासन का विरोध करता रहा है। भारत हमेशा आपके तालिबान शासन का विरोध करता रहा है। भारत का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि वह तालिबान से संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता में संलग्न नहीं होगा, यानी कि सम्मिलित नहीं होगा। हालांकि वर्ष 2018 में भारत ने मास्को में तालिबान के साथ आयोजित वार्ता में शामिल होने के लिए गैर आधिकारिक स्तर पर अपने 2 सेवानिवृत्त राजनयिकों को भेजा था। मार्च 2020 में अमेरिकी तालिबान समझौते का भारत ने न केवल पूर्ण समर्थन किया, बल्कि समझौते में भारत के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जो तालिबान के प्रति भारत के बदले रूप को दर्शाता है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत का तालिबान के साथ खुला संपर्क होना चाहिए, क्योंकि तालिबान भी अब अफगानिस्तान की राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग बन गया। भारत को तालिबान से प्रत्यक्ष रूप से वार्ता कर आतंकवाद जैसी विषयों को उसके समक्ष उठाना चाहिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सुरक्षा बलों की वापसी के बाद उत्पन्न हुए सुन्नी को भरने के लिए भारत को तालिबान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए भारत को संबंध सुधार की दिशा में पहल करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अफगानिस्तान की शांति वार्ता में भारत एक बड़े स्तर पर भूमिका निभा सकता है, तो भारत को इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जहां से अमेरिका निकल रहा है चीन वहां तुरंत प्रवेश कर रहा है। आगे बात करते हैं अमेरिका तालिबान समझौते में पाकिस्तान एक प्रमुख भागीदार है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान तालिबान का प्रमुख प्रयोग भारत के विरुद्ध कर सकता है। ऐसे में भारत को व्यक्तिगत तौर पर तालिबान से संबंध स्थापित करना चाहिए। भारत को वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में सुधारात्मक कूटनीतिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत को तालिबान और देश के सभी राजनीतिक समूहों के साथ खुलकर बात करना शुरू करना चाहिए। बात करते हैं, इतनी पूरी कहानी चल रही है तो भारत के लिए कुछ महत्व भी तो होगा अफगानिस्तान का, तभी तो भारत कुछ करेगा। तो देखते हैं भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व क्या है। अफगानिस्तान एशिया के चौराहे पर स्थित होने के कारण रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया और मध्य एशिया को पश्चिम एशिया से जोड़ता है आपका अफगानिस्तान। भारत का संपर्क ईरान, अजरबैजान,
तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के माध्यम से होता है। इसलिए अफगानिस्तान भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान भू रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत और मध्य एशिया के बीच स्थित है, जो व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। यह देश रणनीतिक रूप से तेल और गैस से संबद्ध मध्य पूर्व एशिया और मध्य एशिया में स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण भू स्थानिक स्थिति प्रदान करता है। अफगानिस्तान पाइपलाइन मार्गों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। साथ ही अफगानिस्तान कीमती धातुओं और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। अब इस सब में आगे की राय क्या हो सकती है? अमेरिका और तालिबान के मध्य शांति वार्ता के परिणाम स्वरूप अमेरिकी सेना की वापसी से अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान का वर्चस्व स्थापित हो सकता है। ऐसे में भारत को लगातार तालिबान के साथ वार्ता करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान अपने लाभ के लिए तालिबान का प्रयोग भारत के खिलाफ ना कर सके। तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दौर में भारत के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों की समीक्षा कर भारतीय महाद्वीप की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए एक निर्णायक भूमिका में आना चाहिए। तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए भारत को संवाद का प्रत्यक्ष तंत्र विकसित करना चाहिए। तो चलिए, ये था आपका अफगान नीति से संबंधित आर्टिकल। आशा करता हूँ कि आप सभी के जवाब मिल गए होंगे इसमें। ठीक है।